तो आज हम क्लास सेकेंड आई की इंग्लिश बुक स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर टू जिसका नेम है द लिटिल रेड हेलो वेलकम टू माय चैनल वंस अ टाइम देर लिव लिटिल रेड एंड हर स्मॉल चिक्स एक जमाने में एक लिटिल रेड हेन और उसके स्मॉल चिक्स रहते थे दे ऑल लिव इन टाइनी कॉटेज वो सब एक टाइनी कॉटेज में रहते थे टाइनी का मीनिंग है स्मॉल द चिक्स लुक लाइक सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स जो ये चिक्स है ये सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स की तरह दिख रहे थे द लिटिल रेड हैं वर्कड वेरी हार्ड टू फीड हर लिटिल चिक्स जो ये लिटिल रेड हैं वो बहुत हार्ड वर्क करती थी इन चिक्स को फीड करने में शी लाइक टू सिंग एन डांस एट शी वर्कड जब ये आ, काम करती थी तो उसको सिंग मतलब गाना गाना डांस करना अच्छा लगता था अभी आप मेरे बात बोलिए Once upon a time, there lived a little red hen and her small chicks. They all lived in a tiny cottage. The chicks looked like soft golden balls. The little red hen. Worked very hard to feed her little chicks. She liked to sing and dance as she worked. One day, the little red hen was out walking with her friends the lamb, the goose, and the cat. दिन, the little red hen, द लैम द गज एंड द कैट ये जो है ना ये थ्री ये लिटल वेट हैंड के फ्रेंड्स है तो एक दिन ये जो लिटल वेड हैंड है ये ये तीनों के साथ लैम गोज और कैट के साथ बाहर वॉकिंग कर रही थी आउट वॉकिंग विथ हर फ्रेंड्स वाइल्ड देवर वॉकिंग एंड टॉकिंग शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन ऑफ वीट जब ये बाहर वॉकिंग कर रहे थे चल रहे थे और टॉकिंग कर रहे थे तभी ये जो लिटिल रेड हैंड है इसको ग्रेन मिले वीट के अब वीट जो है वीट मतलब गेहूँ यह है ग्रेन्स तो लिटिल रेड हैं को गेहूँ को के कुछ दाने मिले हु विल हेल्प मी प्लान दिस ग्रेन्स लिटिल रेड हैंड ने कहा कि मतलब पूछा कि कौन मुझे हेल्प करेगा ये ग्रेन्स को लगाने में ग्राउंड के अंदर Not I, said the lamb. Not I, said the goose. Not I, said the cat. जो ये lamb, goose और जो cat है इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं help करूँगा The little red hen looked at the grains of wheat. Then she looked at her friends. जो little red hen है उसने पहले grains की तरफ देखा फिर उसके friends की तरफ देखा Very well. I shall plant this myself," she said, and she did just that. लिटिल रेड हैन ने कहा अच्छा ठीक है मैं ये जो ग्रेन्स है मैं खुद ब खुद प्लान कर लूँगा और उसने वही किया अर्ली वन मॉर्निंग द लिटिल रेड हैं वेंट आउट टू सी वेयर शी प्लांटेड द वीट्स एक सुबह लिटिल रेड हैंड ने बाहर जाकर देखा कि जो उसको ग्रेन्स मिले थे गेहूं के दाने मिले थे वो उसने कहाँ प्लांट किए हैं वो देखने के लिए वो बाहर चली गई शी सॉ टाइनी ग्रीन स्प्राउट कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड उसने देखा कुछ स्प्राउट है ग्रीन कलर के स्मॉल स्मॉल टाइनी वो ग्राउंड के बाहर आ रहे थे जमीन से बाहर आ रहे थे शी वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत ये जो डिटोरेट है वो बहुत खुश थी द वीट शी हैड प्लान वॉज ग्रोइंग जो उसने गेहूँ लगाए थे वो उग रहे थे हरी कम एंड लुक एट दिट शी क्राइड टू हर चिक्स लिटिल रेड हैं ने इन चिक्स को बोला हरी जल्दी करो बाहर आओ और देखो इन ग्रेन्स की तरफ जे वीट थे इसकी तरफ देखो द वीट grew एंड grew ऑल समर इट्स slowly changed from ग्रीन टू गोल्डन yellow. जो वीट ये इसने लगाए थे वो ग्रू हो रहे थे सारे समर में वो स्लोली स्लोली ग्रीन से जो ये अभी ग्रीन है ये ग्रीन से गोल्डन येल्लो हो रहे थे मतलब उसका कलर चेंज हो रहा था धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा था गोल्डन येल्लो हो रहा था हु पिक द वीड आस्ट द लिटिल रेड हैन जो ये लिटिल रेड हैन है इसने पूछा ये गेहूँ मुझे लेने में कौन हेल्प करेगा नॉट आई सेट द लैम नॉट आई सेट गूज नॉट आई सेट कैट जो ये थ्री फ्रेंड्स हैं इन तीनों ने कहा मैं नहीं हेल्प करूँगा द लिटिल रेड हैंड लुकड ऐट द ग्रेंड्स ऑफ वीट देन शी लुकड एट हर फ्रेंड्स जो ये लिटिल रेड हैंड है उसने पहले ग्रेन्स की तरफ देखा जो गेहूँ थे गेहूँ के दाने पहले उसकी तरफ देखा देन शी लुक एट हर फ्रेंड्स फिर उसने अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा वेरी वेल आई शॉल पिक द वि माई शी सेड एंड शी डिड जस्ट दैट उसने कहा ठीक है ये मैं ही खुद बखू मैं ये कर लूँगा मैं ये उठा लूँगा और उसने वही किया शी पिक्ड ऑल द वीट एंड पुट इट इन सैक इसने वो सारा गेहूँ उठा लिया और एक बोरी में मतलब वो रख दिया पैक करके रख दिया नाउ इट वॉज रेडी टू गो टू द फ्लोर मिल टू बी मेड इट इन टू फाइन फ्लोर अब जो उसने वो गेहूँ निकाल के रख दिए थे वो अभी जाएंगे वो अभी जाएंगे फ्लोर मिल में मतलब वो अभी वो रेडी है फ्लोर मिल में जाने के लिए और जब वो फ्लोर मिल में जाएंगे तो फिर उसका फ्लोर फ्लोर का मीनिंग है आटा वो आटा वो आटा, म, वो आटा म, आ, बन जाएगा और उसने वही किया शी पिक्ड ऑल द वीट एंड पुट इट इन सैक इसने वो सारा गेहूँ उठा लिया और एक बोरी में मतलब वो रख दिया पैक करके रख दिया ना इट वॉज़ रेडी टू गो टू द फ्लोर मिल टू बी मेड इट इन टू फाइन फ्लोर अब जो उसने वो गेहूँ निकाल के रख दिए थे वो अभी जाएंगे वो अभी जाएंगे फ्लोर मिल में मतलब वो अभी वो रेडी है फ्लोर मिल में जाने के लिए और जब वो फ्लोर मिल में जाएंगे तो फिर उसका फ्लोर फ्लोर का मीनिंग है आटा वो आटा बन जाएगा अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटल रेड हैंड सेड हो विल टेक द वीट टू द मिल एंड है फ्लोर अगली सुबह लिटिल रेड हंड ने कहा कौन मुझे हेल्प करेगा इस वीट को मिल में ले जाने के लिए और जो वीट है उसको ग्राउंड कर ले ग्राउंड करने को और जब वह उसको ग्राउंड करेंगे तो वह फ्लोर में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राउंड का मीनिंग है मेड इंटू मेड इंटू अ पाउडर मतलब जो वो वीट है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा नॉट आई सेट द लैम नॉट आई सेट गूज नॉट आई सेट कैट मतलब इन तीनों ने कहा कि नहीं मैं नहीं हेल्प करूँगा द लिटिल रेड हैं लुकड द सैक ऑफ ग्रेन जो इसने सैक बनाया था मतलब वो, तो वो पैक किए थे सारे क्रेन उसकी तरफ देखा देन शी लुकड एट द लैम द गूज एंड द कैट फिर लिटिल रेड हैंड ने इन तीनों की तरफ देखा दैन आई विल टेक द वि माई सेल्फ शी सेड एंड शी डिड और फिर उसने कहा ठीक है तो फिर यह वट मैं खुद बोल लेके जाऊँगी उसने कहा और उसने वही किया द नेक्स्ट डे द लिटल रेड हैन बेस्ड अ ब्यूटिफुल लोफ ऑफ अ ब्रेड अगले दिन लिटिल रेड हन ने बक किया एक ब्रेड का लोफ ब्यूटिफुल ब्रेड का लोफ बेक कियाफ मतलब ये जो डायग्राम दिखाया है यह है लोफ शी आस्क द लैम द गूज एंड द कैट हु विल हेल्प मी ईट दिस हुफुल लोफ ऑफ अ ब्रेड ये जो लिटिल रेड हैंड है उसने गूज से पूछा लैम से पूछा और कैट से पूछा कौन मुझे हेल्प करेगा ये ब्यूटीफुल लोफ है जो ब्रेड का उसको खाने में आई विल सेट द लैम आई विल सेट द गूज आई विल सेट द कैट जो ये तीनों है उन्होंने कहा मैं हेल्प करूँगा नो यू वॉन्ट सेड द लिटिल रेड हैं लिटिल रेड हैं ने कहा नहीं तुम नहीं करोगे नो ऑफ यू हेल्प मी यू डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क शी सेड तुम तीनों में से किसी ने भी मुझे हेल्प नहीं किया तुमको काम नहीं करना ये इसने कहा आई एम गोइंग टू ईट द ब्रेड विथ माई चिक्स सेड द लिटिल रेड हैं एंड शी डिड लिटिल रेड हैं ने कहा ये जो ब्रेड है मैं अपने चिक्स के साथ खाऊंगी, उसने कहा और उसने वही किया